नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रसाद ऐनापुर एच इंटीरियर्स से। एच इंटीरियर्स अहमदाबाद स्थित एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म है। एच इंटीरियर्स की सर्विसेज के बारे में जानने के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि घर खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए। घर खरीदना एक बेहद ही स्ट्रेसफुल अनुभव हो सकता है अगर आपको पता नहीं है कि किन चीज़ों को ध्यान से देखना है। काफ़ी सारे सवाल मन में उमड़ के आते हैं, पर किसको पूछा जाए इनके बारे में समझ नहीं आता। सवाल जैसे कि घर की दिशा क्या होनी चाहिए, रूम्स की मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में इन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, इसीलिए देखते रहिए। इस वीडियो को हमने स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से बनाया है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाएंगे अपने घर पर, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो घर खरीदते वक्त ज़्यादातर लोगों के दिलों में होता है कि उनके घर का ओरिएंटेशन कैसा हो, या तो घर के सारे रूम्स किस दिशा में हो। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण अधिकतम राज्यों में गर्मी बहुत रहती है। ऐसे में अगर आपके घर का ओरिएंटेशन गलत है तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम लोग भारत के ज़्यादातर राज्यों की बात करें तो नॉर्दर्न ओरिएंटेशन आइडियल है। इससे आपके घर में पूरे दिन रोशनी भी बनी रहेगी और सूरज की तेज़ किरणों से भी आपका घर बचा रहेगा। नॉर्दर्न ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है कि आपके घर की ज़्यादातर खिड़कियाँ नॉर्थ में खुलती हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूम साइजेस को ज़रा ध्यान से देखा जाए। काफ़ी सारे घरों के प्लानिंग करने के बाद हमें ये पता चला है कि रूम्स की मिनिमम साइजेस कितनी होनी चाहिए। जैसे कि ड्राइंग प्लस डाइनिंग रूम कम से कम 19 फीट बाय 10 फीट, मास्टर बेडरूम 13 फीट बाय 10 फीट, किचन 11 फीट बाय 7 फीट, चिल्ड्रन बेडरूम 11 फीट बाय 10 फीट और बाथरूम 4.5 फीट बाय 7.5 फीट। ये रूम साइजेस में आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। आपके काम की हर एक चीज़ और आपके कंफर्ट का सारा फर्नीचर बड़े ही आराम से इन रूम साइजेस में सेट किया जा सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात एयर कंडीशनिंग के बारे में है। आजकल ज़्यादातर लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर्स प्रिफर करते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनर्स दो पार्ट्स में आते हैं, इंडोर यूनिट जो घर के अंदर लगता है और आउटडोर यूनिट जो घर के बाहर लगता है। ये दोनों यूनिट्स को कॉपर की पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जिसके चार्जेस अलग से होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में आउटडोर और इंडोर यूनिट्स लगाने की जगह बिल्डर द्वारा फिक्स की गई है या नहीं, और आइडियली इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इससे कूलिंग और कॉस्ट दोनों पर असर पड़ता है, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं। अब हम आते हैं चौथी ज़रूरी बात पे, जो है सीलिंग हाइट। सीलिंग की हाइट जितनी ज़्यादा ऊंची हो उतने ही रूम्स बड़े दिखते हैं। सीलिंग हाइट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर बिल्डर आपको पहले से ही कम हाइट की सीलिंग दे रहा है और उस पर आप फॉल सीलिंग करवाते हैं तो आपके घर की हाइट और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए आप जब भी घर खरीदने जाए तो सीलिंग हाइट चेक करना ना भूलें। हमारे हिसाब से मिनिमम सीलिंग हाइट 9 फीट 9 इंच तो होनी ही चाहिए। ये हाइट आपको नापनी है फ्लोरिंग की सरफेस से सीलिंग की सरफेस तक। हाइट नापने के लिए आप मेजर टेप या लेज़र टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात आपके घर में डाइनिंग स्पेस को लेके है। क्या डाइनिंग स्पेस अलग से बताई गई है? क्या वह लिविंग रूम का ही एक भाग है? अगर डाइनिंग स्पेस अलग से बताई गई है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वह जगह 6 फीट बाय 6 फीट की है या नहीं। 6 फीट बाय 6 फीट की जगह एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए सफिशेंट स्पेस है। जब भी आप अपने लिए घर देखने जाएं तो अपने साथ एक मेजर टेप ज़रूर से ले जाएं। ये सारी हुई आपके घर के अंदर की बातें।
अभी आते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है फायर सेफ्टी। क्या बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हर एक फ्लोर पर मौजूद है? क्या बिल्डर ने आग के दौरान रहवासियों को अलर्ट करने का कोई सिस्टम बनाया है? फायर सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आपके बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है ये ज़रूर से जान लें। आजकल काफ़ी सारे डेवलपर्स मेडिकल इमरजेंसीज के वक्त स्ट्रेचर या बेड लिफ्ट भी इंस्टॉल करके देते हैं बिल्डिंग्स में। क्या आपके बिल्डिंग में ये प्रोविज़न है? तो भाई और बहनों, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे अपना घर खरीदते समय, तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। इंटीरियर का काम करवाते वक्त आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाने पड़ेंगे और किसी भी बात में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप अगर घर खरीदते समय थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में जो भी सुझाव दिए गए हैं वह मेरे अपने अनुभव से मिली सीख का नतीजा है। आपको अगर लगे कि कुछ चीज़ें मैंने इसमें मिस कर दी है तो कॉमेंट्स में ज़रूर से बताएँ। और अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो अभी फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए 7069002122 पर। आप हमारे किए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जाइए और हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।